की बात निकली है तो आज खबरें भी ढेर सारी हैं। आई स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं बट जो सुबह सुबह खबर आई है उस पर एक बार आपकी राय लेना चाहूंगा टाटा स्टील ये बड़ी खबर आ गई हालांकि ग्रुप ने एक बार पहले इंडिकेशन जरूर दिया था बट जितने भी इनके मेटल रिलेटेड कारोबार हैं लिस्टेड अनलिस्टेड जहां पर भी हैं, वो सारी कंपनीज अब टाटा स्टील के साथ मर्ज होने वाली है इसको कैसे देखना है देखिए ग्रुप के लिहाज से देखें तो ये एक अच्छी चीज है ये ऑपरेशंस में सिनर्जी आएगी सारा मेटल कारोबार एक ही दिग्गज कंपनी में रहे वो अच्छा है कोई वजह है नहीं कि चार अलग अलग लिस्टेड कंपनियां आप रखे हैं आ, तो इस ऑपरेशनल सिनर्जी डायरेक्शन के लिहाज से इंटीग्रेशन के लिहाज से अच्छा कदम है टाटा ग्रुप के लिए टाटा स्टील के लिए साइज और प्राइस और वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से न्यूट्रल है कोई फर्क नहीं पड़ता उसका रीजन बताता हूँ एक लाख तीस हजार करोड़ की सेल्स है आपकी टाटा स्टील की जो दिग्गज कंपनी बाकी जो छह कंपनियां मर्ज करेगी इन सबकी सेल्स मिलाकर आती है लगभग बीस हजार करोड़ की ठीक है वन सिक्स यानी पंद्रह सत्रह परसेंट के आसपास के तो पंद्रह परसेंट सत्रह परसेंट रेवेन्यू टाटा स्टील का बढ़ेगा ये सारे मर्जर के बाद अच्छा बस इतना ही है हाँ। देखो एक लाख तीस हजार करोड़ आपकी टाटा स्टील हाइएस्ट सेल्स किसकी इसके बाद टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट छह करोड़ ठीक है टाटा स्टील माइनिंग चार करोड़ टाटा मेटलिस चार हजार दो सौ करोड़ और टिन प्लेट भी चार हजार दो सौ करोड़ सो इफेक्टिवली आपके अठारह अच्छा बीस हजार करोड़ का सेल्स और एड हो रहा है right. जो पंद्रह सत्रह परसेंट रेवेन्यू होगा प्रॉफिटेबिलिटी अभी इन कंपनी की कोई खास बहुत ज्यादा है नहीं, नहीं। होगी तो बात रेशियो जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है अच्छा हाँ ऐसा भी नहीं कोई रेशियो बहुत टाटा स्टील के फेवर के होके ऑलमोस्ट न्यूट्रल है न इन कंपनियों के अगेंस्ट है न टाटा खाली एक टीआरएफ का छोड़ दो लेकिन टीआरएफ इतनी छोटी टी आर एफ का रेवेन्यू सवा करोड़ है तो, तो उसमें क्या आना जाना है सो आई थिंक मेरे ख्याल से आ, ये एक न्यूट्रल मे, मेगा मर्जर है okay. प्राइस एक्शन के लिए आज से सो right. so, बहुत अति उत्साहित होकर अगर आपको ये सोचे कि आज तो टाटा स्टील पांच परसेंट ऊपर खुलना चाहिए चार परसेंट बढ़ना चाहिए मेगा मर्जर खुले तो दे दीजिएगा अच्छा हाँ। ऐसा कोई बड़ा हाँ। पॉजिटिव नहीं है हाँ। लॉन्ग टर्म हाँ। सिनर्जी है कंपनी के लिए अच्छी बात है, है, ऐसा कुछ हाँ। खराब कुछ भी नहीं है हाँ। लेकिन ऐसा वैल्यूशन वाइज या पंद्रह परसेंट टाटा स्टील का रेवेन्यू बढ़ जाए अगर सारे मर्जे से तो उसमें कौन सी बड़ी बात, सी है? बात है सात कंपनियां ये तो ऑपरेशनली बढ़िया है कि आपको सात कंपनियां अलग अलग मैनेज नहीं करनी आठ कंपनियां अलग मैनेज नहीं करनी आठ के बजाय एक ही कंपनी हो जाएगी सो तो इसलिए अति उत्साहित होकर कोई भी विभाव में कुछ भी खरीदना दे अगर आप जाके खरीदेंगे तो फंड आ जाएंगे बेचने के लिए फिर साढ़े तीन बजे पता चला कि हाँ ग्लोबली मेटल स्टॉक अच्छे हो मार्केट अच्छे और उस वजह से टाटा स्टील बढ़ता है तो एक अलग चीज है इस मर्जर की वजह से नहीं खरीदना है बाकी आप खरीदिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिससे आप चार पांच परसेंट टाटा स्टील को आज भगा दें वो भी नहीं है वैसी खबर मेटल सारे बढ़े तो अच्छी बात है सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिहाज से ठीक है इसके बेनिफिट आपको आगे चलते हुए मिलेंगे जी हाँ मिलेंगे लेकिन कोई ऐसा एकदम अट्रैक्टिव मर्जर रेशियो हो या ऐसा बड़ा मे... नाम सुन के लगता है आठ कंपनियां साइज के हिसाब से पंद्रह ठीक है तो उतना नहीं है बट हाँ न्यूट्रल है और लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर कंपनी के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिहाज से अच्छी खबर है